सर हम तो इंतजार कर रहे थे कि अल्टी का जो नोटिफिकेशन है 6 तारीख को फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। देखो अरुण सर, ये थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग बात तो है ही। सब बच्चे कह रहे हैं हमसे, स्टूडेंट्स के जो कॉल आ रहे हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी ना, कोई भी एग्जाम जो है उसमें आपको काफी धैर्य रखना पड़ता है। तो गाइस 6 नवंबर निकल चुका है और एलटी का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो बहुत अजीब सा लगता है कि यार जो ड्यू डेट पे चीजें नहीं होती ना, तो जो तैयारी चल रही होती है ना उसमें मजा नहीं आता है। तो दिवाली इस बार फिर से फीकी हो गई है। आइए यहाँ पे सर और मैम से जानते हैं कि ये जो इसका नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है और कब तक आने के चांसेस हैं, चलिए पता करते हैं। तो आइए गाइस मिलते हैं दीपक सर से, देखते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। सर 6 तारीख निकल चुकी है और एलटी के नोटिफिकेशन का भी कोई आइडिया नहीं है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो अरुण सर, ये थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग बात तो है। जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 6 नवंबर का आपका इंतजार कर रहे थे, और उसका जो UK SSC के पहले के नोटिफिकेशन के आधार पे ये है कि मार्च में आपका जो है पेपर होगा। बट जितना हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तो आपका जो है वो यही है कि यहाँ पे टाइम उत्तराखंड में थोड़ा सा लगता है। बट स्टूडेंट को जो है दीपावली के शुभ अवसर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हिम्मत ना हारें, ठीक है? थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन एग्जाम जो है वो इस बार आपका जरूर होगा। और अभी अगर स्टूडेंट ने जो है कुछ दिनों पहले जो UK SSC के अध्यक्ष हैं उनका भी आपका जो है वीडियो एक आपका आया था, इंटरव्यू आया था किसी न्यूज चैनल पे, तो वहां पे उनने कहा था इसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे क्योंकि कुमाऊं और जो आपका गढ़वाल मंडल है दोनों से उनको अधियाचन जो है वो आपका मिलना है, तो इट मे भी ये थोड़ा सा टाइम लगे, बट स्टूडेंट को जो तैयारी तो करनी ही चाहिए। तो अब चलते हैं मेघा मैम के पास। तो मेघा मैम आपका क्या कहना है, क्योंकि वो काफी कॉल आ चुके हैं और मेरे पास कोई आंसर नहीं बच्चों को देने के लिए, आई होप आपके पास भी काफी कॉल आए होंगे, तो आपका क्या कहना है इस एलटी के नोटिफिकेशन के बारे में? देखिए थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग तो ज़रूर था सभी के लिए, अब जैसा बच्चे कह रहे हैं हमसे, स्टूडेंट्स के जो कॉल आ रहे हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी ना, कोई भी एग्ज़ाम जो है उसमें आपको काफ़ी धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखिए और अपनी तैयारी पूरी रखिए। तैयारी जब आप करते रहेंगे तो एग्ज़ाम देखिए कभी भी हो, कभी भी आपका नोटिफिकेशन आए आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है? एक सफल अभ्यर्थी जो होता है वो तभी बनेगा जब वो अपने आप को रेडी रखेगा उस एग्ज़ाम के लिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखनी है, आपको इससे हताश नहीं होना है। और हो सकता है आपका नोटिफिकेशन थोड़ा देरी से आए लेकिन जब भी आएगा उसके लिए आप रेडी रहिए। आइए अब मिलते हैं एक और सर से जो यहाँ पे अपनी एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब उनसे जानते हैं कि अभी तक जो नोटिफिकेशन नहीं आया उसके बारे में उनका क्या कहना है। तो सर आपका क्या कहना है, जो 6 नवंबर को एलटी का नोटिफिकेशन आना था वो नहीं आया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर हम तो इंतजार कर रहे थे कि एलटी का जो नोटिफिकेशन है 6 तारीख को फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, और काफ़ी इंतज़ार में थे, जिससे हमको दिल को काफ़ी धक्का लगा कि जैसे ही फॉर्म नहीं आए, और काफ़ी मतलब विश्वास के साथ हम तैयारी कर रहे हैं और मतलब इस प्रकार से व्यवधान बीच में आ जा रहा है, ये तो अब सरकारी जाने। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है कि शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पर टीचर्स की भी कमियाँ हैं, हर स्कूल में जाके जहाँ पर हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, हिल एरिया है, उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर विद्यार्थियों के लिए टीचर नहीं अवेलेबल, तो उनको उनके लिए सुविधाएं हैं, तो ये जल्दी से कार्य हमारे धामी सरकार को करना चाहिए, धामी जी की सरकार को, और छात्रों के हित में, ताकि हमारे जो बच्चों की भावनाएं दबी रह जाती हैं पहाड़ी क्षेत्र में वो आकर के एक शक्ति के रूप में उभरे, ताकि जो पहाड़ी क्षेत्र में बच्चा जो है ईमानदारी से काम करते हैं, ज़्यादा फॉरवर्ड भी नहीं हो पाते बेचारे, वो उनको प्रॉपर शिक्षा देने के लिए हर सब्जेक्ट का टीचर वहाँ पर होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी ये भर्ती आनी चाहिए जिससे कि हमारे उत्तराखंड का विकास हो। वैसे भी हम देखें तो मैं चाहे जो स्टूडेंट हूँ, जब किसी भी क्षेत्र का या किसी भी देश का, किसी भी कोई भी संसार का जब डेवलपमेंट होना होता है तो वहाँ पर शिक्षा को प्रमुखता दी जाती है, शिक्षा और स्वास्थ्य को। मेरा अनुरोध है कि अपने जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे तो धामी जी की सरकार है, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में खासकर उठाना चाहिए, उनको शिक्षा के क्षेत्र को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तब जाकर के सब कुछ हो सकता है। अगर बच्चा बच्चा ही नहीं सीख रहा है तो कुछ, तो फिर कहाँ सरकार बनेगी, कहाँ देश का भविष्य जाएगा, कहाँ हमारे राज्य का भविष्य जाएगा। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, एक छात्र होने के नाते हमारे धामी जी को काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं धामी जी हमारे, और शिक्षा के क्षेत्र में उनको और उन्नति के लिए हर सब्जेक्ट का टीचर वहाँ देना चाहिए, सरकारी स्कूल जहाँ पर बने हुए हैं, ताकि छात्रों का भविष्य उज्जवल बन सके और हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का, हमारे स्टेट का भविष्य भी उज्जवल बन सके। तो जैसा कि यहाँ पे हमने सर से और मैम से बात की, तो दोनों का यही कहना है कि अभी नोटिफिकेशन का कुछ अपडेट नहीं है लेकिन बहुत जल्द आ सकता है, तो लेकिन आपको तैयारी अपनी पहले ही पूरी रखनी है, क्योंकि क्या पता नोटिफिकेशन कब निकल के आए और उसके बाद आपको इतना टाइम ना मिल पाए और लास्ट टाइम में तैयारी नहीं हो पाती है, आप लोग भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले से ही तैयारी में जुट जाना है और अभी से अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए, क्योंकि
क्योंकि जितना आप अभी से एफर्ट डालेंगे तभी जाके एंड में आपकी तैयारी ढंग से हो पाएगी। तो हम आप लोगों के साथ हैं यहाँ पे, और अगर आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा ऐप है वेश्री क्लासेस ऐप, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हमसे और भी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।